पर पार्टी के सरबरा जेरेमी कॉर्बिन ने कहा है कि बरतानिया की गैर मुल्की अमूर में मदाखलत और इराक जंग में शामिल होने के बाद मुल्क में इंतहा पसंदी को मजीद हवा मिली है। लेबर पार्टी के लीडर जेरेमी कॉर्बिन ने बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सबसे बड़ा चापलूस करार देते हुए मशवरा दिया कि यही वक्त है कि अब बरतानिया को अमरीकी सदर की दुम से अलहदा हो जाना चाहिए। जेरेमी कॉर्बिन का कहना था कि बरतानवी फौज की मुदाखलतों की वजह से दहशतगर्दी के मसाइल हल होने के बजाय इनमें मजीद इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ नाम निहाद जंग वाज़ेह तौर पर नाकाम हो चुकी है और दुनिया अब इराक पर होने वाले हमले के नतायज भुगत रही है। लेबर पार्टी के रहनुमा का कहना था कि इस वक्त जब दहशतगर्दी की कार्रवाइयों की जिम्मेदारी दहशतगर्दों, उनके सहूलतकारों, माली एयारतकारों और भर्ती करने वालों पर आयद की जा रही थी, उस वक्त बरतानिया के हुक्मरानों ने सलामती से मुतालिक गलत दावे किए। उनका मजीद कहना था कि दहशतगर्दी का खतरा सिर्फ खारजा पॉलिसी के सवालात तक महदूद नहीं हो सकता और ना ही किया जाना चाहिए। हर आने वाले हुकूमत ने इन खतरात को कम नहीं किया बल्कि मजीद हवा दी।